my name is Ramshaw Singh and you're watching National Reporter. Thank you. मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए. सर को किस तरह से आप ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि सर ऑलरेडी प्रोमो में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने अच्छा काम किया, तो किस तरह से आप ट्रेन कर रहे हैं? ही ऑलरेडी अ बेस्ट. यस ही वॉज, मतलब वो जब थे कोरियोग्राफर 10 साल, उन्होंने मेरे को बोला कि 10-14 साल पहले वो करते थे डांस. तो यस आई वुड अग्री, उनके बॉडी में है काफ़ी कुछ, बट जो स्टाइल्स में कर रही हूँ उनके साथ इंटरनेशनल स्टाइल्स, वो इतना यूज टू नहीं है. तो वो ट्रेनिंग चल रही है अभी, अच्छी चल रही है. उनकी बॉडी को मैं वापस ला रही हूँ. ही कीप सेइंग दैट ही वांट्स टू गेट बैक टू द प्रोफेशनल डांसिंग वाला जोन. तो वही तैयारी चल रही है उनको, मैं उसकी तैयारी करवा रही हूँ और सीजन एंड तक तो वो प्रोफेशनल डांसर बनी जाएंगे एकदम बढ़िया. ओके, जब अच्छा नाचते सीजन एंड तक एकदम और बढ़िया नाचते. ओके, क्या क्या आप अलग अलग परफॉर्म के कौन से डांस आप करवा रहे हैं? अभी तो मैं ट्राई करूँगी, जैसे मैं काफ़ी वर्सेटाइल हूँ तो काफ़ी स्टाइल आती है मुझे, तो मैं भी ट्राई करूँगी. मेरे आर्टिस्ट कश्मीर को भी मैं सारे डांस स्टाइल कराऊँ. अभी हमने फर्स्ट एक्ट में हमने फ्री स्टाइल किया था, बट सेकेंड एक्ट में अभी हम फ्री स्टाइल किया था कि क्या किया था डिसाइड कर. आई थिंक आई डिसाइडेड फ्री स्टाइल, लिटरली हैविंग सेक्स ऑन स्क्रीन. ओके, तो फर्स्ट एक्ट में हमने काफ़ी कुछ किया था स्टेज पे. क्या क्या किया था मतलब कुछ आप देख लेना. और सेकंड एक्ट में हम लोग जैज करने वाले हैं, और फिर ऐसे ही अलग अलग हफ्ते हम काफी अलग अलग साइड्स करने वाले हैं, तो काफी मजा आने वाला है. और सर काफी हैंडसम है, तो क्रश विश हुआ कि नहीं आपको? देखो क्रश तो वो सबका है, क्रश तो वो सभी का है. मतलब ऑब्वियसली ही इज अ गुड लुकिंग एंड लाइक अ गुड बॉडी, तो गुड लुकिंग इट इज हॉट. या ही इज हॉट, ही इज हॉट, बट क्रश क्रश मतलब हाँ, मतलब वी आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स. और हाँ मतलब आई लाइक हिम एज अ फ्रेंड. ओके, कुछ अलग अलग कराने के, क्योंकि यहाँ पर बहुत जन सारे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. ओके, तो वो कुछ मतलब आप कुछ क्या अलग करा रही, मतलब बहुत सारे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब एक महीने से लगे हुए हैं सब लोग जो मुझे हमें जानकारी मिली है. कुछ अलग मतलब पता नहीं, जो मतलब हमारी पर्सनैलिटी है मेरी और कश्मीर की वो ही अलग होगा, बाकी तो सारे सभी मेहनत कर रहे हैं, सारे सभी सब साइड्स कर रहे. ट्रॉफी आ जाएगी कि नहीं? लेट्स होप, लेट्स प्रे. उनको मैं चाहूंगी कि वो बिना कपड़े उतारे भी ट्रॉफी हमें आ जाए. मतलब बस हो गया, अब ज्यादा कपड़े मतलब उतारने की तैयारी है मतलब उनकी है. अरे मतलब हाँ, मतलब जो भी मिलता है, अरे कश्मीर कपड़े निकालो. अरे कश्मीर बॉडी दिखाओ. तो हाँ, उसके बिना कुछ हो जाए तो अच्छा लगेगा. इंस्टाग्राम में आप लोग लाइव आते हो गए, तो क्या क्या मतलब फैंस आपको से कुछ बोलते कि ये करवाओ ये करवाओ? अभी तक तो मैं नहीं गई हूँ, बट मैं कश्मीर को पूछती हूँ कि कुछ लाइव गए हैं वो, अगर तो पूछती हूँ मैं उनको. हाँ. क्या बोला, आई एम श्योर ये तो बोला ही होगा कि आप नेक्स्ट. रील्स भी नहीं बनाया अभी तक आपने? जी हमें टाइम ही नहीं मिला है, हम इतनी तैयारी इतनी मेहनत कर रहे हैं एड के लिए, हम रील्स रील्स नहीं बनाते हैं, हम एड की तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग. ओके, जैसे कि वो हैंडसम है ये, तो किसको आप वो किसको खुश करने की, करण जौहर को खुश कर रहे हैं कि? आई एम श्योर करण सर बहुत खुश होते हैं उनको देख के, शर्ट निकाल के. इनफैक्ट तीनों आई थिंक नौरा भी काफी इंप्रेस होते हैं बिकॉज ही इज हॉट, एंड माधुरी दीक्षित जी तो ऑब्वियसली आई मीन पता नहीं मेरे को, मतलब ऑल थ्री इंप्रेस होते हैं. ओके, सबसे ज्यादा आई एम श्योर करण सर. ओके, वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन आजकल वो थोड़ा सदमे में नहीं, आगे आगे में अपने फैंस से दर्शकों से क्या कहना चाहेगा? मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज वॉच आउट, शो देखिए, हमें देखिए, हमें प्यार दीजिए, हमारी आई होप हमारी हार्डवर्क आपको स्टेज पे दिखे और आप अप्रिशिएट करें, और प्लीज हमें वोट कीजिए एंड सेंड अस लव. एंड या आई विल प्रॉमिस दैट हम आपको पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको एंटरटेन करने की, आपको एकदम फाड़ू एक्ट देंगे स्टेज पर. एंड यस, आई होप यू गाइस लाइक इट. एंड या थैंक यू सो मच.